हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग सब अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या एकदम मोहब्बत में क्वेश्चन लिख दो, और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का समय। पहली बात तो सब में तुमको एंट्री पास करना है, तो एक भी एंट्री याद नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना और एंट्री पास करना है, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी अच्छी खासी थी और कंपनी का दिवाला निकल गया, लॉस हो गया, काला जादू कर दिया किसी ने, अभी कंपनी में पनती आ गया, क्या गई, तो कंपनी लॉस मेकिंग हो गई है। अब कंपनी अपना इधर मांडोली कर रहा है, मतलब अपना कर्जा सेटल कर रहा है। क्या सेटल कर रहा है? कर्जा। तो कर्जा काम कर रहा है, सेटल कर रहा है, तो इधर तुम्हारा कर्जा कम होएगा मतलब फायदा होएगा, कर्जा कम होएगा तो फायदा। तो कैपिटल रिडक्शन एक नाम है, तो कैपिटल रिडक्शन फायदा होएगा ना, तो कैपिटल रिडक्शन नीचे आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन। फायदा होगा तो किधर आएगा? नीचे, और लॉस होगा तो ऊपर, इधर ही सब खत्म हो जाएगा। और कंपनी का नाम में देखो भारी लिखा, नकली लिमिटेड। क्या लिखा है? नकली कंपनी थी इसलिए नकली हो रहा था उसके साथ। तो कंपनी क्या कर रही है? अभी मांडोली कर रही है, सेटलमेंट कर रही है। तो अभी कैसे क्या करना है, रीड करके समझना है। तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बोला है, स्कीम ऑफ क्या बोला है? रिकंस्ट्रक्शन। तो नोट बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कंपनी को 3 साल का डिविडेंड देना है। कितना साल का? 3 साल, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोला है, इधर बोला है प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू 11%, मतलब कितना परसेंट था ये? 10, ये 11। एंट्री कैसे लिखने का? ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये क्या है? ओल्ड। तो ये ओल्ड को डेबिट करेंगे और न्यू को क्या करेंगे? क्रेडिट। आपको सोचा नहीं है ना, ओल्ड को डेबिट करने का, न्यू को क्रेडिट। कितने का शेयर था प्रेफरेंस शेयर? 100 का। और इन्होंने कितना बना दिया मालूम है क्या? 50, मतलब जहाँ 100 रुपए देने का था ना, अपन ने उसको 50 ही टेका है। थोड़ा आंसू बाया, बोले 50 ले ले भाई, बाद में नहीं है, तो सामने ले 50 ले गया, तो 50 फायदा हो गया ना। तो फायदा को बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलेंगे? तो पहले एंट्री किसकी आ रही है? प्रेफरेंस शेयर, ये ओल्ड है ना भाई, और ये क्या? न्यू। तो कितना परसेंटेज? 10। वैसे लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर। अब तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी दे रहा है, ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर क्या बोले? 10% प्रेफरेंस शेयर। अभी 10 को उन्होंने कन्वर्ट किया है, देखो क्या परसेंट में? 10% लिखेंगे, 11 जूना लेके नया दिया ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इधर हमारा फायदा हो रहा है, क्या रहा है? जो भी फायदा होगा ना, कैपिटल रिडक्शन नीचे आएगा, दो एंट्री कराने तो आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन किधर रहेगा? नीचे। ऊपर मतलब लॉस हो रहा है, ऊपर बोले तो लॉस। नरेशन याद मत करो, बिंग लिखो। क्या लिखो? बिंग। पूरी लाइन कॉपी करो, बिंग प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड टू सो एंड सो, है ना। अब सुनो, अभी अमाउंट कैसे आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो इधर नंबर ऑफ शेयर दिया क्या? 20,000, 30,000 ऐसे दिया रहता है, कभी कभी आएगा क्वेश्चन में। एक शेयर कितने का? 100 का। तो 2 जीरो छिपा दे, ये 7 लाख है ना, तो 2 जीरो छिपा दे, तो 7,000 शेयर। कितना शेयर है? 7,000। अगर शेयर 10 करेगा तो कितना जीरो छिपाने का? 1। तो देर आर 7,000 शेयर, कितने शेयर से? 7,000। इधर लिखेंगे 7,000, क्या लिखेगा? 7,000। इधर भी क्या लिखेगा? 7,000। इधर भी क्या लिखेगा? 7,000। तो इधर 100 का डालेगा, मतलब 7 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, कितने का था? 7,000। उसको कितना माना दिया? 50। जहाँ 100 देने का था 50 कर दिया, और 50 क्या हो गया? फायदा। और फायदा किधर रहेगा? कैपिटल रिडक्शन। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.5, है ना। तो जो क्या बोलते हैं, जो 7 लाख का था ना, उसको 3.5 लाख बना दिया, कितना बना दिया? 3.5। तो 3.5 लाख कम हो गया, जो कम हो गया फायदा हो गया, फायदा किधर रहेगा? कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। फर्स्ट एंट्री हो गई तुम्हारी, किसकी एंट्री हो गई? प्रेफरेंस शेयर। कुछ एंट्री आज भी लेकर आ गया ना यार। तो वैसे लोग अभी किसको रिड्यूस कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। किसको रिड्यूस कर रहे हैं? सीधा बोला है कि इक्विटी शेयर जो 10 का था, कितने का था? 10। रिड्यूस बाय बोला है। क्या बोला है? जब 2 बोला रहता ना, ऑफ बोला रहता, तो माइनस करने का रहता, क्या करने का रहता है? इधर डायरेक्ट बाय बोला। क्या बोला है? याद करने का, बाय बोला है ना, वो इधर आएगा, किधर आएगा? मतलब डायरेक्ट कम ही कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया? कम कर दिया। तो पहले काम करते एंट्री ली, तो किसके बारे में बात किया? इक्विटी शेयर में कोई परसेंट नहीं होता, ठीक है, वो नॉर्मली शेयर होता है। तो ये वाले को डेबिट किया और ये वाले को क्या किया? क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, उसको भी क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर। और ये अपने को क्या हो रहा? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? फायदा। तो फायदा हो रहा है तो क्या हो गया मालूम है? कैपिटल रिडक्शन। किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। ये तुम्हारी एंट्री बन गई, ये क्या बन गई तुम्हारी एंट्री, ओके। बिंग, इक्विटी शेयर रिड्यूस लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर दिया है नहीं दिया है, कितने का शेयर है? 10 का। तो 10 छुपाएगा तो कितना शेयर मिलेगा? 40,000। कितना मिलेगा? 40,000। तो पहले लिखने का 40,000, तीनों में क्या डाल दे? 40 40 40। तो 10 के साथ कितने का शेयर था? 4 लाख। 10 के साथ कितना का था? 4 लाख। अब इधर क्या दिया मेरे भाई? 2A की बाय है, बाय बोला ना, बाय बाय बोला तो सीधा कितना लिखने का? बाय बोला तो, अगर मान लें इधर 2 बोला रहता, क्या बोला रहता? तो 10 में से 8 माइनस करता तो 2 रुपए कैपिटल रिडक्शन होता। ये कब करता माइनस? 2 बोला है, पर इधर क्या बोला है? बाय। तो बाय में क्या दिमाग लगाने का? जो भी दिया है ना बाय के बाजू में,
वाई वाला किधर रहेगा? कैपिटल एक्स। मतलब 10 से 2 बना दिया, 8 कम कर दिया, 10 से 2 बना दिया, 8 कम कर दिया। तो मैंने एक चीज बोला ना, वाई वाला किधर रहेगा? कैपिटल एक्स। अभी 4 टू 2 कितना होगा? 8, 80,000 कितना आएगा? 80,000। 320,000 कम हो गया, कितना कम हो गया? 320,000। थोड़ा दरवाजा बंद कर देना बस। ये दो एंट्री हो गई इक्विटी की, किसकी हो गई? इक्विटी शेयर। अभी थर्ड क्या बोला है? डिबेंचर्स को चेंज किया। ये तीन एंट्री फिक्स है और एक की एंट्री को 2 मार्क, 3 का 6 मार्क मिल गया। तो डिबेंचर 6% कितना था? 2,00,000। ये कितने का था? 100 का था। 6% को कितना बनाया? कितने का था? 100। कितना में मांडो ले गया? 15 क्या हो गया? 5। अब एंट्री कैसे बनेगी? कितना ये? 6% बोलो। 6% अकाउंट डेबिट है ना, तो 6 को किसमें कन्वर्ट किया? 7%। फायदा हो रहा है, तो फायदा कितना रहेगा आपका? कैपिटल रिडक्शन। फायदा कितना आपका? कैपिटल रिडक्शन बीइंग डिबेंचर रिड्यूस है ना। बट नंबर ऑफ डिबेंचर दिया गया नहीं, एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए। तो 100 वाले तो कितना जीरो छुपाएंगे? 2। तो कितना मिलेगा? 2,000। ओके, इन्वेस्टमेंट का भी सम सॉल्व करते ना, ऐसे लिखना है 2,000 2,000 2,000 लिख दिए। 100 के हिसाब से 2,00,000 का कर्जा था, कितना था? थोड़ा मंगरवच का आंसू भाया, थोड़ा रोया, कांदा वाला के रोया, 85 बना दिया। कितना बना दिया? 85। इधर एक वर्ड है ना भाई, देख क्या है? ऑफ। क्या बोला है? भाई बोला है क्या? नहीं, मतलब ये ऊपर लिखने का ना भाई। तो 100 का 85 कर दिया, 15 क्या हो गया? फायदा। अब इसको से मल्टीप्लाई करो, कितना? 1,70,000। जहाँ 2,00,000 देने का था, 1,70,000 टिका है, तो मतलब 30,000 क्या हो गया? फायदा। और फायदा कितना रहेगा? कैपिटल रिडक्शन। एंट्री फिक्स। फिर अभी बढ़ते आने का, करते आने का, देखने का फायदा है कि लॉस है। डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री, मतलब डिबेंचर होल्डर राजी हुए, मान गए टू वेव माफ। क्या माफ किया? 60% ऑफ देयर एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड बोला तो जो इंटरेस्ट बाकी था। इधर देखो ना, डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है ड्यू। इधर कुछ और दिया, इधर कुछ और दिया, ऐसा घुमा के दे। अच्छा, इंटरेस्ट कितना देने का था? 70। 70 क्या था अपना? लाइबिलिटीज बोले तो कर्जा। तो उसने अपन ने उसका ना चप्पल उठा के थोड़ा साफ किया, तो बोला ठीक है भाई। कितना परसेंट माफ किया? माफ किया ना, फायदा हो गया। तो कुछ लिया दिया नहीं, माफ किया। तो क्या माफ किया? डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। ये क्या है? मैंने बोला लाइबिलिटी को क्या करने का? डेबिट। इधर लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? कुछ याद नहीं करने का, जो एंट्री बोली उसकी एंट्री बात। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू है ना, माफ किया। क्या क्या? तो कैपिटल रिडक्शन है। क्या रहेगा? सिंपल। जब भी वे बोला रहेगा तो ऐसी एंट्री रहेगी, कैपिटल रिडक्शन नीचे और जो नाम बोला ऊपर। तो किसका नाम था? डिबेंचर। पूरा 70 नहीं माफ किया अपने, भी पूरा 56 नहीं साफ किया, हल्का था हिसाब के पेस। तो कितना टका माफ किया? 60%। इसका 60% लिखा रहेगा ना, 42,000। 60% माफ किया ना यार, 42,000। सिंपल, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव और कैंसल, सिंपल। अभी इसके बाद क्या बोला है? एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस ड्यू। क्या वर्ड है? एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस। करा था यार अच्छी, ठीक है, करा था, टेंशन मत लो। इसलिए स्कैप गैप दे देता ताकि याद रहे। ओके, बोले एंट्री रुक के करा था, अभी कंफ्यूज कर देगा ना। अभी तक क्या बोला दोस्त? पढ़ो, क्रेडिटर। सब माफ कर रहे ना, तो क्रेडिटर वाला मैं भी थोड़ा अपना दिल रखता हूँ, तो उसका दिल बड़ा नहीं रहता, थोड़ा रखा। सही वाला क्रेडिटर एग्रीड टू वेव, कितना परसेंट माफ किया? ये दिख रहा है क्रेडिटर, इसका 40% माफ होगा। तो ये एंट्री कैसी बनाई आप लोग ने? ये एंट्री सेम बना था ना, फटक से मैंने आधा ही लाइन पढ़ा है। 40% माफ किया एंड टू एस एफ इक्विटी शेयर 40,000। एंड छोड़ो, एंट्री बना दो ना, किसके बारे में बात हो रहा है? लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। क्या किया उसने? वेव किया। वेव बोला था क्या आएगा दोस्त? वेव बोला था क्या आएगा? कैपिटल रिड्यूशन। कितना वेव किया? किसका 40% आएगा? 1,40,000 का। 1,40,000 का 40% 56 माफ किया ना। पर इधर ही सवाल नहीं होता, वो माफ किया करने के बाद क्या बोला? एक जुमला और बोला, रुको भाई माफ तो करो, घर से थैली मिला है, बेबी बोले भी की खाली हाथ मत आना, तो मेरे को कुछ दो। तो उसको क्या दिया मालूम है? क्या? देखो, क्रेडिटर एग्री टू वेव 40% माफ किया एंड टू एस एफ बोला लाओ, थैली में लाओ। क्या लाओ? इक्विटी शेयर। कितना रुपए का इक्विटी शेयर? 40,000। पार्ट सेटलमेंट, आधा मांडोली, नॉट फुल, आधा। फुल सेटलमेंट नहीं बोला, क्या बोला? बाकी का कर्जा वैसे ही रहेगा। तो कंपनी ने उसको 40% माफ करा है और क्या दिया? इक्विटी शेयर गया ना अपने पास से, तो जो गया था उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना रुपए का इक्विटी शेयर दिया? 40,000। अगर मैं इसको ऐड करता तो 96 होता, कितना होता? 96। ये वर्ड दिख रहा है पार्ट सेटलमेंट, इसका मतलब सुनो, कर्जा कितना था? 96 हट गया, 96 हट गया, तो बचा 44, वो लायबिलिटी में शो होएगा, वो पार्ट सेटलमेंट है, मतलब पूरा सेटल नहीं हुआ, पार्ट सेटल हुआ। कितना सेटल हुआ? जब बैलेंस शीट बनेगी तो कितना हिसाब दिखेगा? 44 दिखेगा।
तो बाद में आके माफ करेगा तो लेगा, ये क्रेडिटर्स का था, क्या था? इन शॉर्ट 40% माफ किया, इक्विटी शेयर लिया, टोटल कितना सेटल हुआ? कितने में से? 1,40,000 बैलेंस बैलेंस शीट में देखिए, है ना? अभी अला भाई मस्त है भाई, ये समय आता ही है, इस पे तो पास कर लो। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है, एसेट बढ़ा तो फायदा, एसेट कम हो तो लॉस। एसेट बढ़ा तो सोना लेगा तो बढ़ेगा, मोबाइल लेगा तो घटेगा। आईफोन 16 लेगा ना भाई, आईफोन 16 की वैल्यू क्या है, 1,60,000 आज लिया, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 30,000। और बाद में डैमेज होगा तो 5,000 में भी नहीं जाएगा। ओके, तो आईफोन की वैल्यू गिर गई, पर सोने की वैल्यू क्या है, 70,000 है, तो आने वाले 4-5 साल में वो 80-90 तो होगा, तो सोने की वैल्यू बढ़ गई। तो बता अभी कौन सा वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है? तो बिल्डिंग कितना है? 4 लाख। इधर बिल्डिंग कितना है दोस्त? 4 लाख। इधर कितना है? 3 लाख। तो इधर वैल्यू बढ़ गई, इधर वैल्यू बढ़ गई, ऐसा एरो मारा देने का। फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 है। इधर कितना था? 2,80,000। अभी कितना हो गया? 2,20,000। प्लांट क्या हो गया? कम हो गया। फर्नीचर 70, मतलब पहले फर्नीचर 1,20,000 था, अब कितना हो गया? 70। तो फर्नीचर क्या हो गया? कम हो गया। फिर स्टॉक, स्टॉक बोलो तो क्या होता है मेरा भाई? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोलो तो स्टॉक, स्टॉक बोलो तो इन्वेंट्री। 1,55,000 था, इधर कितना हो गया? 1,00,000, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। डेटर्स, डेटर्स कितना? 70, इधर कितना था? 85, क्या हो गया? कम। तो एक ही एसेट बढ़ा, कौन सा बढ़ा? बिल्डिंग। मैं बोला एसेट बढ़ा तो फायदा हो गया, फायदा बोला तो किधर रहेगा अपना कैपिटल रोटेशन? किधर रहेगा? नीचे। फायदा हुआ तो कैपिटल रोटेशन किधर रहेगा? नीचे। वो जगह छोड़ने का था, नहीं छोड़ा, प्रिफरेंस का जगह नहीं छोड़ा ना मैंने। चलो ठीक है, अच्छा याद आ गया, मतलब अपने को याद आना चाहिए कि भाई कुछ नहीं किया है ना। अच्छा बिल्डिंग में फायदा हो गया ना, तो कैपिटल रोटेशन किधर आया दोस्त? करेक्ट में। तो किसकी वैल्यू बढ़ी? बिल्डिंग। बिल्डिंग किधर रहेगा? ऊपर। लैंड और बिल्डिंग किधर लिखेंगे? ऊपर। अमाउंट कौन सा लिखने का? दोनों को माइनस। 3,20,000 से कितना हो गया? बिल्डिंग 3,20,000 से कितना हो गया? 4,00,000। तो कितना बढ़ा? 80,000 और 80,000 लिख दो। बिंग बिल्डिंग रीवैल्यू, क्या लिखेंगे? बिंग बिल्डिंग रीवैल्यू। बाकी चारों एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, चारों एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। एसेट बोले तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो कम होना, प्रॉपर्टी कम होना बोले तो लॉस। अब लॉस में कैपिटल एडिशन डेबिट हो गया, अब लॉस में कैपिटल एडिशन डेबिट। सिंपल। तो क्या क्या लॉस हुआ? चारों नाम बोलो। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेंटरीज बोले तो क्या हो रहा है? स्टॉक और डेटर। क्या है? अमाउंट कैसे लिखेंगे? माइनस करके लिखेंगे। तो चल बिल्ड 2,80,000 से 2,20,000 हो गया, 2,80,000 से 2,20,000 कितना कम हो? 60,000। इधर 60 आएगा, इधर टोटल मान लेना। अभी फर्नीचर ले लें, 1,20,000 से कितना हो गया? 1,20,000 से 70,000, मतलब कितना हजार कम हुआ? 50,000 कम हुआ, शाबाश। फिर क्या ले लें? स्टॉक, स्टॉक है ना, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी था। 1,55,000 से कितना हो गया भाई? 1,55,000 और डेटर्स, कस्टमर 85 था, 70 हो गया, तो कितना कम हो गया? 15,000। कितना कम हो गया? 15,000। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट इधर आएगा 1,80,000 का लॉस हो गया, और लॉस में कैपिटलाइजेशन ऊपर आता है। इधर एसेट बढ़ा था और इधर एसेट क्या होगा? कम हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है, पहले लास्ट वाली एंट्री पास कर देगा, 20 का जगह जोड़ दे। अब ये भी एंट्री फिक्स है, बोलो। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। इंटेंजिबल एसेट का नाम बोलो, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट। गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट ऊपर मिलेगा और फिक्टिशियस एसेट नीचे मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडररैकिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ का हिंदी में बोलेंगे तो हटा देना, हटा देना, निकाल देना। तो जब भी एसेट से कुछ जाता है, एसेट से कुछ जाता है तो लॉस होता है, तो कैपिटलाइजेशन ऊपर ही आएगा। कैपिटलाइजेशन क्या रहेगा? क्योंकि एसेट्स रिटर्न ऑफ मतलब लॉस होता है, हटा देना, तो रिटर्न ऑफ में हमेशा कैपिटलाइजेशन ऊपर आएगा। कैपिटलाइजेशन क्या रहेगा भाई? ऊपर आएगा, कैपिटलाइजेशन ऊपर आएगा। इंटेंजिबल एसेट ये दिख रहा है सब, ये इंटेंजिबल एसेट क्या बोलो? गुडविल। गुडविल को हटाया लोगों ने, फिर किसको हटाया? पैटेंट्स को हटाया, और कॉपीराइट जो भी होता है कंपनी का ना, कितना है? 50। क्रेडिट अमाउंट आएगा ना 20, और कैपिटलाइजेशन को ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि लॉस हो रहा है ना। और क्या आता है मालूम है क्या? फिक्टिशियस एसेट, वो लास्ट में मिलेगा। बोलो, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, डेबिट। नाम नहीं बोल पा रहे तो याद करना, लॉजिन लेजर छाप दो, ये वाला लॉस हो रहा है। क्या क्या है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, कितना अमाउंट है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है ना, 15,20,20,55,000 और 3,55,000 है ना। अब ये सबका टोटल किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, डेबिट बैलेंस किधर आ जाएगा? डेबिट 4,70,000, ये लॉस हो गया ना। और तुमको मालूम है लास्ट और कुछ नहीं दिया, तो एक एंट्री फिक्स है, याद कर लेगा। तो कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बोलो, कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ये ब्लैंक्स में आएगा, कैपिटल रिजर्व।
तो इसके पहले एक एंट्री बाकी है ना अपना, आ जाओ इधर। क्या वर्ड बोला था, कितने साल का डिविडेंड देने का है? तीन साल का भाड़ा देना रहता, सपोज तीन महीने का लाइट बिल देना है, तीन महीने का वाईफाई देना है, मतलब तीन साल का डिविडेंड देना है। तो एरियर तो तीन साल का ना, पहले एक साल का हिसाब लगा, ये अमाउंट कितना है? 7 लाख। ये परसेंट दिख रहा है, 7 लाख पे 10% निकालो, 70,000। 7 लाख पे 10% अमाउंट पे परसेंट निकालने के रहता है, तो डिविडेंड मिला 70,000। एक साल का 70, दो साल का 70, तीन साल का 70, ऐसे 3 70 नहीं दिया, 2 10 नहीं दिया। इधर क्या खबर आई, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो बाकी था तीन साल का, इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर। तीन साल को कितना बना दिया? 3 साल को मतलब 70,000 हो गया। अब 3 70 नहीं, 1 ही 70, 1 ही 70 है। वही 70 को क्या किया? पेड इन कैश। क्या बोला? पेड इन कैश। पेड इन कैश एक बड़ा है ना, पेड। पेड का मतलब क्या होता है? पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पेड़ बोला तो पैसा गया, तो मैंने इधर लिखा टू बैंक, क्या लिखा? तो हमने इधर पे करे तो फायदा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। फायदा है कि लॉस? लॉस। लॉस में कैपिटल डिडक्शन किधर आता है? ऊपर। ऊपर बोलो तो डेबिट करें, कैपिटल डिडक्शन क्या आएगा? डेबिट। कैपिटल डिडक्शन क्या आएगा? तो तभी भी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का पेड के एंट्री भी ये एंट्री डाला, कैपिटल डिडक्शन टू बैंक। सवाल है कि अमाउंट कैसे है, कितना अमाउंट था? 7 लाख। 7 लाख में 10% और 10% कितना साल? एक साल। अगर 2 साल का पेड़ गया तो इंटू 2 करते थे ना, रिड्यूस टू 1, मतलब 1 साल का ही दिया। तो 7 लाख में 10% निकाल दो, कितना आएगा? 70,000। कितना आया? 70,000। सिंपल। अभी तुमको ये अमाउंट पार्ट्स करना है, ये अमाउंट खास आएगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट है वो प्लस करो, डेबिट वाला क्या करो? माइनस। तो सब लोग कैलसी लेके बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो देखो, कैपिटल डिडक्शन डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट बोलो तो फायदा हुआ, क्रेडिट बोलो तो फायदा। फायदा वाला ऐड करेंगे, 3.5 लाख प्लस होगा, है ना? इधर भी क्रेडिट है, 3 लाख 20 क्या होगा? प्लस होगा। 3 लाख 20 क्या होगा? इधर भी क्रेडिट है, 30,000 प्लस होगा। इधर भी क्रेडिट है, 42,000 क्या होगा? प्लस होगा। इधर भी क्रेडिट है और इधर 56 है, 56 भी क्या होगा? प्लस होगा। अपना अमाउंट गलत हो गया, दोनों चालू हो, 56 क्या होगा? प्लस होगा। ये डेबिट में ना, अभी -70 दबा, क्या दबा? -70। फिर क्रेडिट में 80 प्लस 80 प्लस 80 के बाद -180 -180 फिर -4,70,000 -4,70,000 कितना अमाउंट है? 1,50,158 हाँ, ये 1,58,000 दे रहा है, क्या रिजर्व हो गया, वो बैलेंस बचा किसका? कैपिटल डिडक्शन है। कितना ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। अभी अगर कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट में लॉस होता है, डेबिट में क्या था? क्रेडिट में क्या आएगा? प्रॉफिट। एसेट घटा तो लॉस होता है, कर्जा बढ़ा तो भी लॉस होता है। एसेट्स बढ़ा तो फायदा, कर्जा कम हो तो फायदा। 2-3 एंट्री बताओ बस, समझ आए। इधर कैपिटल डिडक्शन है, हाँ है। कैपिटल डिडक्शन डेबिट है कि क्रेडिट है? तू बोलो तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही आएगा। इसका किधर आएगा? बाय। कैपिटल डिडक्शन नहीं लिखेंगे, क्या नाम है? 10% प्रेफरेंस। क्या लिखेंगे? अमाउंट कैपिटल डिडक्शन का आएगा, कितना आएगा? 3,500। अमाउंट कितना आएगा? 3,500। चलो वापस, कैपिटल डिडक्शन किधर? डेबिट है कि क्रेडिट? किधर आएगा? क्रेडिट। और फायदा हो गया था ना भाई, आएगा इक्विटी शेयर। क्या आएगा भाई? इक्विटी शेयर। अमाउंट किसका आएगा? कैपिटल डिडक्शन 3,20,000। कितना आएगा? 3,20,000। अमाउंट किधर है? कैपिटल डिडक्शन डेबिट है कि क्रेडिट? किधर आएगा? क्रेडिट में। डिबेंचर क्या आएगा भाई? डिबेंचर। अमाउंट किसका आएगा? कैपिटल डिडक्शन। कितना अमाउंट है? 30,000। इधर भी कैपिटल डिडक्शन किधर है? क्रेडिट। किधर आएगा? क्रेडिट बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या आएगा भाई? डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है भाई? 42,000। अब इधर देखो ना, कैपिटल डिडक्शन किधर? डेबिट है कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर्स क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। अमाउंट किसका लिखेंगे? कैपिटल डिडक्शन। अब इधर कैपिटल डिडक्शन किधर है भाई? डेबिट है ना, किधर इफेक्ट आएगा? डेबिट। क्या लिखेगा? टू बैंक। क्या लिखेगा? टू बैंक, है ना? कितना है? 70,000। दिख रहा है? इधर कैपिटल डिडक्शन किधर है? डेबिट। ये पूरे सब इधर आएगा ना मेरे भाई। इधर कैपिटल डिडक्शन किधर है? क्रेडिट। किधर है? ये आइटम सब इधर आ जाएगा ना यार। ये किधर है कैपिटल डिडक्शन? सॉरी, कैपिटल डिडक्शन किधर है? डेबिट है ना। ये आइटम सब इधर आ जाएगा, है ना? कैपिटल डिडक्शन किधर है? क्रेडिट। किधर आएगा? क्रेडिट। तो इसको प्लस और माइनस करेंगे ना, ये अमाउंट आएगा 1,58,000। कितना आएगा? 1,58,000। अगर कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है तो बनाना है। 20 मार्क के समय पूछेगा, 20 मार्क के समय पूछेगा, 10 मार्क के समय 6 एंट्री पूछेगा। कितना? 6 एंट्री। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। थक गया भाई।